नमस्कार आदाब, मैं मंजूर आलम आपका रिपोर्टर भैया और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 6। दोस्तों एक बहुत ही दुखद खबर आई है। टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। केवल 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए। सिद्धार्थ शुक्ला के मौत से जुड़ी कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, और सिद्धार्थ शुक्ला के जीवन से भी जुड़ी कुछ बातें मैं बताऊँगा अपनी इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और अगर आपने हमारे चैनल न्यूज इंडिया 6 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। टीवी की नामचीन हस्ती बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। 1 सितंबर की रात वो अपने कमरे में सोने जाते हैं। 2 सितंबर की सुबह 3 बजे उनके सीने में दर्द होता है। उनकी मम्मी जो है कि उनको पानी पिला के सुला देती है। फिर 2 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे वो दरवाज़ा खटखटाती हैं और देखती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहे हैं, कोई भी हलचल नहीं हो रहा है। फिर जो है कि अपने बेटी को इन्फॉर्म करती हैं, कुछ डॉक्टर्स आते हैं, फिर उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर उन्हें परीक्षण के बाद मृत घोषित कर देते हैं। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर जैसे ही जो है कि यह घोषणा करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो गई है, तो पूरे परिजन और टीवी इंडस्ट्री में एक मातम छा जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला का कल पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कि डॉक्टरों ने मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। मुंबई पुलिस ने अभी तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया है। पोस्टमार्टम के बाद यानी आज 3 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का शव जो है कि परिजनों को सौंप दिया गया डॉक्टरों द्वारा। परिजन शव लेकर घर पहुंचे जहां पर तमाम उनके चाहने वाले थे, जिन्होंने अंतिम दर्शन किया। उसके बाद ओसीवारा शमशान घाट ले जाया गया जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला इस तरीके से दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। परीक्षणों के बाद ये पता चला है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत जो है कि हार्ट अटैक से हुई है। आइए आपको हम बताते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म मुंबई के ही एक हिंदू परिवार में 12 दिसंबर सन 1980 को हुआ था, जिनके पिता का नाम अशोक शुक्ला है। जब सिद्धार्थ शुक्ला अपने करियर में मॉडलिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके पिता की मृत्यु हो गई। स्कूल के दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला टेनिस और फुटबॉल खेला करते थे। इंटीरियर डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद इंटीरियर की एक कंपनी में वो काम करने लग गए। इंटीरियर कंपनी में काम करने के दौरान ही उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जो उनके करियर को बदल के रख दिया। मौका था ग्लैडरेक्स मैनहंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट, और इसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने भाग लिया और रनर अप रहे। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2005 वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का कॉन्टेस्ट तुर्की में आयोजित हो रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला ने कॉन्टेस्ट में भाग लिया और 40 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए विनर बने और इंडिया के ऐसे पहले मॉडल बने जिसने वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का कॉन्टेस्ट जीता था। वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का खिताब जीतने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी की दुनिया में कदम रखा। 2008 में सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना में सिद्धार्थ शुक्ला ने सौरभ रावत का किरदार निभाया, और यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ वो फिर उनके मौत के बाद ही थमा। एक के बाद एक कई हिट सीरियल देने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला टीवी की दुनिया के अब एक ऐसे चेहरा बन गए थे जिन्हें हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी सीरियल में कास्ट करना चाहता था। उनकी कुछ हिट सीरियल मैं आपको बता दूं, जाने पहचाने से ये अजनबी, आहट, लव यू जिंदगी और बालिका वधू जैसे तमाम सीरियलों में उन्होंने काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में अंगद बेदी का किरदार निभाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दर्शकों का प्यार इतना मिला कि सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस 13 का विजेता बना दिया दर्शकों ने। सिद्धार्थ शुक्ला को तमाम अवार्ड भी मिले, आईफा, फिल्म फेयर्स, जी गोल्ड्स, स्टार गिल्स अवार्ड के तरफ से कई अवार्ड दिए गए सिद्धार्थ शुक्ला को। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह से जाना सबको चौंका गया। उम्र महज 40 साल थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है।
हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल न्यूज इंडिया 6 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वाले लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जाने के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।